वक्त मुझे अजय दुबे के पास जाना होगा, प्रियंका चतुर्वेदी उनके साथ हैं और अजय उनसे बात कर रहे हैं। अजय, देखिए जो लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, नजर तमाम जो राजनेता हैं बनाए हुए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना से, उनकी भी नजर बनी हुई है। मैम, ये गोवा को जाने के लिए काफिला आपके विधायकों का निकल रहा है, क्या इस समय पार्टी के अंदर बज है? नहीं, हमारे विधायकों का नहीं है, ये वो रिबेलियन है जो इन लोगों ने कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी होती है, अब एक इन्फोर्स डेमोक्रेसी का मॉडल देश के सामने रखा है कि जहाँ जहाँ इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, सरकार नहीं बना पाए, वो ईडी के माध्यम से, आर्म ट्विस्टिंग के माध्यम से मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट करते हैं और सरकार बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कल जिस तरीके से उद्धव जी ने एक पत्र लिखा था, अपील की थी कि परिवार है आपकी, चिंता है मुझे, असर होता खास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, देखिए असर हो या ना हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया है। जिम्मेदारी कहती है कि अगर आप लोग हर सेकंड दूसरा वीडियो डालकर ये कह रहे हैं हम शिव सैनिक हैं, हम उद्धव जी के साथ हैं, और फिर भी आप इस तरीके की बगावत कर रहे हैं, तो उन्होंने पक्ष प्रमुख होने के नाते उन सबसे कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ भी हो, आकर मुझसे बात करिए। फ्लो टेस्ट को लेकर शिवसेना कितनी तैयार है? कल को लेकर राज्यपाल ने जो भी कुछ ऐलान कर दिया है, फ्लो टेस्ट को लेकर तैयारी क्या, आपने विधायकों को अपने बुला लिया क्या आपने? देखिए, हमारी तैयारी है, हम भी चाहते हैं फ्लो टेस्ट हो, पर जिस तरीके से गवर्नर ने आपन धापी में ये कहा है कि फ्लो टेस्ट होना चाहिए, 24 घंटे में फ्लो टेस्ट होना चाहिए, वो गलत है, सिंपली बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालिफिकेशन के मुद्दे को होल्ड पे रखा है टिल द 11th of July। 11 जुलाई से पहले कोई फ्लो टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमें स्टेटस इन डिसक्वालिफाइड एमएलएज का पता नहीं है। तो ये आपके एमएलएज के क्वालिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये गोवा जा रहे हैं, शुरुआत होती है मुंबई, मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, ये जो पूरा टूर एंड ट्रेवल चल रहा है, क्या लग रहा है कि अभी तक जो सामने वाला पक्ष खुल के बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे हो रहा है ये? अब तो खुल के जब सामने से भारतीय जनता पार्टी गवर्नर के पास जाकर कहती हैं कि आप फ्लो टेस्ट लीजिए, आपके सामने एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ है, फिर सोर्सेज अनुसार आता है कि उनकी रात को मुलाकात हुई है, एकनाथ शिंदे जी हों और देवेंद्र फडणवीस जी हों, फिर ये बात होती है। अगर आप देखिए कि इनका जो टूर एंड ट्रैवल चल रहा है, पूरा ट्रैवल एंड टूरिज्म का माहौल बन रहा है, सूरत बीजेपी शासित राज्य, और सूरत के ही राज्य में CISF, गोवा और गुजरात पुलिस लगी हुई है, इन सबको बंधक बनाकर गुवाहाटी तक पहुंचाने में, वहां पे पूरा असम पुलिस का संरक्षण, और अब आ रहे हैं गोवा, कोई नॉन बीजेपी राज्य में नहीं जा रहे तो उसी से स्पष्ट हो जाता है। आप कह रहे हैं कि उनको बंधक बनाया हुआ है, मैं अभी वीडियो देख रहा था, मुझे वहीं से विधायक ने एक भेजा कि हंसी मजाक चल रही, हंसी टटोली, और एक बड़ी संजीदा बात वहां पे एक विधायक कह रहे हैं कि आप जो बंगला है वर्षा वो छोड़ने को तैयार हैं, आप विधायकों का साथ छोड़ने को तैयार हैं, कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ने को तैयार हैं, शरद पवार का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, दुख जाहिर किया आपके जो विधायक थे उन्होंने। नहीं, देखिए गुलाबराव पाटिल जी ने कहा है, गुलाबराव पाटिल जी को शिवसेना से क्या क्या नहीं मिला, ये वही पक्ष प्रमुख से ही उन्होंने MLA की लड़ाई लड़ी, जैसे ही हमारे हाथ में सत्ता आई सबसे अहम जिम्मेदारी दी। आज उनका वक्तव्य ये दिखाता है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगी कि आप शिवसेना को छोड़ने को तैयार हो, पक्ष प्रमुख को छोड़ने को तैयार हो जिन्होंने आपको सब सारी जिम्मेदारियाँ दी, आपके लिए इतनी जिद हो गई कि आप सूरत भाग गए अपनी मांग रखकर, पर खुद आकर मातोश्री जाकर या वर्षा जाकर अपनी बात नहीं रख सकते थे? ये जो MLA सूरत से वो धमकियां दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, गुवाहाटी से दे रहे हैं, आप गोवा टूरिज्म करने जा रहे हैं, वो आकर एक बार पक्ष प्रमुख से एक से आमने सामने बात नहीं कर सकते थे? तो वहां पे जाकर अपनी बात रखना मुझे तो हास्यास्पद लगता है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 50 के आसपास नंबर उनके साथ है, तो वो आपको लग रहा है कि थ्रेट तो आपकी सरकार का है, उल्टी गिनती, क्या आज के दिन से उल्टी गिनती शुरू कर दी जाए इस सरकार की, आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको ना उल्टी गिनती बताऊंगी ना सीधी गिनती बताऊंगी, ये टेढ़ी उंगली से टेढ़ा काम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आपने देखा है कि आप कह रहे थे पार्टी के सैनिकों के साथ नहीं है, हर शिव सैनिक आज पूरी तरीके से उद्धव साहब के साथ खड़ा है, जो नहीं खड़े हैं वो ये 30 लोग हैं, और ये 30 लोग को मैं भी कहती हूँ कि फिर से लौट कर आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और उन शिव सैनिकों के बगैर वहां से लड़कर दिखाएं। अच्छा, आप आंकड़ों की बात करी, कई सारे आंकड़े अभी मैं सुन रहा, देखना शिंदे जी ने 50 की बात की, आप 30 का जिक्र कर रही हैं, 16 की सदस्यता की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब ये लोग सब वापस आएंगे तो उनमें से कुछ विधायक हैं इस उम्मीद में है क्या आप लोग कि वो वापस आ जाएंगे शिवसेना के साथ? उम्मीद की बात नहीं है, ये एक विश्वास की बात है, एक निष्ठा की बात है कि जिस पार्टी, और आप देखिए उसमें से 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री में से एक जैसे उदय सामंत हैं, NCP से शिवसेना में आए,
शिवसेना से अभी वहां पे जाकर बगावती जो उन्होंने तथ्य रखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है किस किस माहौल में किस संदर्भ में रख रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। एकनाथ शिंदे जी को देख लीजिए, जो उनको पोर्टफोलियो दिया गया वो पोर्टफोलियो यूजली चीफ मिनिस्टर रखते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस जी भी सरकार में थे उनके हाथ में ये पोर्टफोलियो था। तो इतनी सारी जिम्मेदारी देने के बाद आप ये बगावती देवर दिखाते हैं। आप दीपक केसरकर जी भी एनसीपी के आए हुए हैं, वो एनसीपी का हवाला देकर बोल रहे हैं उनके सावंतवाड़ी में तो सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज तो नारायण राणे जी रहेंगे बीजेपी के। क्या बात कर रहे हैं आपने मैम, बात की पार्टी में नेताओं के आने जाने की भी बात की, आप भी कांग्रेस में रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर बार बार टारगेट कर रही है। पूरा जो रिबेलियन ग्रुप है वो कह रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है, तमाम बातें कर रहा है। आपको लग रहा है क्या कि ये जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन था हिंदुत्व वाला मुद्दा इतना बड़ा था कि सरकार के लिए? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप कांग्रेस पार्टी से आई। जी बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी से आई, पर मैंने इस पार्टी को पूरा मेहनत से और हर तरीके से मैंने उसको उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश की और पार्टी का नाम काम जो भी आगे बढ़ा सकती थी मैंने काम किया है। आज भी मैं कंधे से कंधा मिलाकर अपने पक्ष प्रमुख के साथ खड़ी हूँ। तो ये तो मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही थी क्योंकि उनको मंत्री पद दिए गए थे, इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियाँ दी गई थी, ऐसे पोर्टफोलियोज दिए गए थे जो मैं मानती हूँ कि एक विश्वास के माध्यम से दिए गए थे। पर आपने और 2019 में जब ये सरकार भी बनी थी यही एकनाथ शिंदे जी थे जो 2015-16 में सारे थाने में जा जाकर कह रहे थे मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के साथ नहीं बैठूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जब पक्ष प्रमुख थे तो उनसे जाकर ये तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी खत्म करने में लगी है, इनसे रिश्ता तोड़ना जरूरी है। 2019 में इन सभी बागी नेताओं से पूछा गया था जाना है या नहीं जाना है। और रही बात हिंदुत्व की, मैं उनके हिंदुत्व के एजेंडा में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि हिंदुत्व आप मुझे बताएं क्या आपका हिंदुत्व ये कहता है विश्वासघात करने का सिखाता है? क्या आपका हिंदुत्व या मेरा हिंदुत्व कहता है पीठ पे खंजर घोंपने का काम करो? तो ये लोग जो बागी नेता ये आड़ ले रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और हिपोक्रेट। अच्छा एक सवाल मैम ये भी है कि बार बार बागी नेता संजय राउत को निशाने पर ले रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि उद्धव ठाकरे जी के आसपास कुछ ऐसे नेताओं का एक सर्कल डेवलप हो गया जिसके चलते ये दिक्कतें आई हैं? ईडी का प्रेशर माननीय संजय राउत जी पे भी है। ईडी ने प्रॉपर्टीज भी अटैच की हैं संजय राव जी की, ईडी वेरी केयरफुली नोटिसेस भी भेज रहा है संजय राव जी को, पर क्या संजय राव जी अपनी जिम्मेदारी से भागकर गुवाहाटी बैठे हैं? जी तो देखिए ये प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, तमाम जो इस पूरे मामले में सरकार बचेगी नहीं बचेगी को लेकर बात है उसको लेकर शिवसेना का पक्ष रख रही है। पूर्णिया सिटी जानिए पूर्णिया सिटी शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। Thank you.
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।